सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल लिसानी डिजिटल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल ईशानी डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि MS विनवर्ट के अंदर इंसर्ट मेन्यू में किसी भी हाइपर लिंक को एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं और कॉमेंट कैसे शेयर करते हैं MS विनवर्ट के अंदर, उसी इंसर्ट मेन्यू के प्रोसेस आगे करते हुए आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंसर्ट मेन्यू में फुटर कैसे यूज करते हैं और हेडर का यूज कैसे किया जाता है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरे वीडियो हो आसानी से आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से वो बात को समझ पाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, पर जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात और बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप हमारे ईशानी यूट्यूब और ईशानी कंप्यूटर टेस्ट का एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और आज सीखते हैं कि MS विनवर्ट के अंदर कैसे हम हेडर एंड फुटर का यूज़ किया जाता है और ये क्या होता है। तो आइए चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज यहाँ पे सीखेंगे कि कंप्यूटर में जो MS विनवर्ट होता है उस MS विनवर्ट के अंदर इंसर्ट मेन्यू में कैसे फुटर और हीडर को लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आसानी से मिल सके। और अगर अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज़ डाउनलोड कर लें और ब्लॉग को भी चेक करें, वहाँ पे आपको कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर मिलता रहेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और सीखते हैं कि MS विनवर्ट में कैसे फुटर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले वर्ड को ओपन करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट मेनू पर जाना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका इंसर्ट मेनू है, यहाँ पर जाना है आपको इंसर्ट पर। उसके बाद फिर आपको इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है सीधा सी हीडर एंड फूटर पे। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि हीटर और फूटर कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्या होता है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि हाइपर लिंक को कैसे कनेक्ट करते हैं और कॉमेंट कैसे पास कराते हैं अपने कोई भी पेज के ऊपर, उसी प्रकार से आज मैं आगे प्रोसेस करते हुए हीटर फूटर के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे हीडर आ रहा है आपका ऊपर में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे हीडर यहाँ पे आपका शो कर रहा है। हीडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास और भी ऑप्शन दे देंगे हीटर का। जैसे हीटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ब्लैंक और टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा है टाइप टेक्स्ट, दूसरा आपका ब्लैंक है नीचे, फिर ब्लैंक थ्री कॉलम्स, यानी कहने का मतलब कि तीन जगह पर आप इसमें हीटर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम चीज़ डॉक्यूमेंट के ऊपर बना रहे हैं यानी इस पेज के ऊपर जो भी चीज़ हम बना रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ को करने के लिए यानी हेडिंग देने के लिए हीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ उसका हेडिंग देना है मुझे तो हम हीटर का यूज़ करते हैं। हीटर का यूज़ जैसे ही करते हैं हीटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक करेंगे, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है मोर हीटर फ्रॉम office.com। अगर office.com के वेबसाइट पे भी जाकर आप वहाँ से हीटर को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट हीटर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सेव सेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ब्लैंक का। जैसे ही मैंने यहाँ ब्लैंक लिया मेरे पास यहाँ पर एक पट्टी टाइप पर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो जैसे कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ वर्ड टू थाउजेंड सेवन यहाँ से दे दिया। इसका साइज मैं बड़ा कर दूँगा यहाँ से इस प्रकार से, इसको सेंटर में ले आऊँगा, सेंटर में ले आया मैंने, इसको बोल्ड कर दूँगा ताकि मेरा जो हेडिंग हो
वो आपका सही दिखे तो इसके लिए मैं होम पे जाऊंगा, वर्ड पे क्लिक करूँ, इस प्रकार से वर्ड का हेडिंग मैंने डाल दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं जो भी लिखूँगा तो मेरा ये नीचे में टाइप होगा। आप चाहेंगे तो इसके नीचे भी इंटर मार कर लिख सकते हैं कोई भी चीज़ को आसानी से, अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप टाइप कर सकते हैं। तो हेडर का जो काम होता है वो हेडिंग लगाने के लिए होता है, इसमें और भी तरह के होते हैं। तो मैं वापस इंसर्ट पे जाऊंगा, हेडर पे क्लिक करूंगा और वापस यहाँ से फिर से कर दूंगा। देखिए फिर से मेरा वही चीज़ आ गया। फिर से चाहूँ मैं तो यहाँ पर नाम दे सकता हूँ, अगर इसको हटाना हो तो डायरेक्टली डबल क्लिक हेडर पर करेंगे तो हो जाएगा ख़त्म, नहीं तो आपको क्या करना है, हीटर पे जाना है। मैंने तीन का लगा दिया, मुझे यहाँ पे तीन चीज़ के बारे में शो करना है। पहले मैंने आपको बताया ब्लैंक का, दूसरा ब्लैंक टू बताया, तीसरा मैं आपको मैं बता रहा हूँ वो आपका है थ्री टाइम्स का हीटर लेने के लिए। इस पर मैं लिख दिया हुआ, इस पर मैं लिख देता हूँ लेशन वन, और मैं दूसरे पे लिख दूँगा लेसन टू, वन मिनट। लेसन टू यहाँ से मैं टू लिख दूंगा और तीसरे वाले पे जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और लिख दूंगा लेसन थ्री, मैं यहाँ थ्री कर दिया। अब इस प्रकार से मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूँगा तो आपकी आपको दिखाई देगा सही से। तो मैं इसको साइज में बड़ा करने के लिए आपको जाना होगा होम पे जाने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं यही सब चीज़ आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इस प्रकार से लेसन वन टू थ्री करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से लेसन वन, लेसन टू, लेसन थ्री, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये होता है हीडर का काम। दूसरा जो आपका वो फुटर, फुटर का मतलब क्या होता है, फुटर का मतलब होता है नीचे की ओर। जैसे मैंने ये हेडिंग लगाया, ऊपर में हेडिंग लगाने के लिए हेडर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से फुटर का यूज़ जो करते हैं नीचे नंबर वगैरह पेज वगैरह देने के लिए, या उसी चीज़ के बारे में नीचे अगर बताना हो तो ये देखिए पेज के नीचे में आ गया, ये ऊपर का आपका हीडर में क्या हुआ, फुटर ऊपर आ गया, फुटर में नीचे आ गया। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ पेज नंबर 20, यहाँ पे मैं दे दिया पेज नंबर 20। साइज में बड़ा करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बड़ा कर दूँगा और इसको कॉर्नर में ले जाकर सेट कर दूँगा। सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आऊँगा और ये कॉर्नर में देखिए मैं यहाँ पे सेट कर दिया, ये मेरा क्या हो गया। अब मैं वो भी कुछ लिखूँगा तो ये यहाँ पे रहेगा, नीचे मेरा फुटर में पेज नंबर दिखाई देगा। इस पर अगर इसको रिमूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप दिख रहा होगा हीडर एंड फुटर, क्लोज हीडर एंड फुटर, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपका दोनों ये चीज़ ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गया, बस केवल लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहूँगा तो वापस से यहाँ पर हम कोई भी चीज़ को टाइप करके आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। ये आपका हेडिंग सेम का सेम रहेगा और नीचे फुटर में भी जो नंबर आपने दिया वो भी नंबर आपका सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा और कुछ भी हटेगा नहीं यहाँ से। तो इस प्रकार से हम हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं अपने कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कॉमेंट भी करें। और बोलना चाहूँगा कि एप्लीकेशन जो मैंने बनाया उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सा लेसन लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।